आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज लाइव न्यूज चैनल। जिला सीतापुर के शाहपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। आपको बताते चले, जिला सीतापुर के शाहपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब, जो कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री ने देख कर वहाँ के जन सैलाब को हो गए खुश। आपको बता दें कि हर गांव विधानसभा के माननीय विधायक सुरेश राही जी को जिताने के लिए कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने, और कहा कि विधानसभा में जिताकर उनको पहुंचाएं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पे लगाया सीधा निशाना, कहा कि क्यों उनके राज्य में थी गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार। और केशव प्रसाद ने बताया कि सपा में पहले बहन बेटियों को रिश्वत देने के बाद ही नौकरी मिलती थी, जो कि हमारे सरकार में नहीं है। और सपा की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं था और बहुत ही घोटाले होते थे, तो इसलिए आप भाजपा को ईवीएम में वोट डालें और खच्चा कस मशीन भरें। तहसील ब्यूरो ओम प्रकाश की खास रिपोर्ट। आगे देखते और सुनते रहिए वीडियो में। मकान बनाने का जो अभियान हमने शुरू किया, भारी अंतर 43 लाख गरीबों के पक्के मकान अकेले उत्तर प्रदेश में बनाने का काम हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, आप बताइए कोरोना के संकट काल में जब बहुत से लोग ऐसे रोज मजदूरी करते थे, कमा के लाते थे, तब उनके घर में चूल्हा जलता था, तब उनके घर में भोजन बनता। अगर मजदूरी भी नहीं कर सकते, छोटे मोटे व्यापार करने वाले व्यापार भी नहीं कर सकते, तो बताइए वो कैसे उनका पेट भरता। लेकिन आपने गरीब माँ बाप के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए बताइए 2 साल से लगातार फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दोनों हाथ उठा बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमारे ऊपर विपक्षी आरोप लगाते हैं कि हम भेदभाव करते हैं, मैं इसीलिए समाजवादी पार्टी को अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री कहता हूँ, गलत तो नहीं कह रहा बताइए। अगर सपा आ जाए तो आप सुरक्षित रह सकते हो क्या? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकती है क्या? हमारे व्यापारी भाई सुरक्षित रह सकते हैं क्या? मेरा नौजवान जो रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बनता है, वह प्रतियोगी परीक्षा में हमारी सरकार ने 4.5 लाख से 13 नौकरियां दी, किसी को 1 रुपया रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन समाजवादी पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय बिना रिश्वत दिए किसी को नौकरी मिली थी क्या? नहीं। भाजपा ईमानदारी के पद पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है और विकास के पद पर भी आगे बढ़ा रही है। विकास की चर्चा सुरेश राही जी जब करते हैं, मैं आपके विधायक जी की प्रशंसा करता हूँ, आपके मंच इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने सदैव क्षेत्र की चिंता की, जो मुझसे मांगा है, और सरकार का खजाना पूरा खोल करके रखने का काम किया गया है। हमने कभी भी आपके विधानसभा क्षेत्र में, आप बताइए जितना 5 साल में विकास हुआ है, पीछे 25 साल में ऐसा विकास देखा था क्या आपने? दोनों हाथ उठाकर ऐसा देखा था क्या? याद करिए 2017 से पहले कितने घंटे बिजली आती थी आपको, कितने घंटे याद है? भूल गए आप लोग, अब कितनी बिजली आती है? 2017 से पहले बिजली नहीं आती है ये मुद्दा होता था, और 2022 में बिजली नहीं जाती है ये मुद्दा है कि नहीं है बताइए। भारत माता की जय। छत पे खड़े हो जरा, वहां भी दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की जय। सीतापुर की पवित्र धरती को चंदन समझ करके अपने माथे माटी लगाता हूँ, और मैं आप सबको यहाँ उपस्थित इस पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले, चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरी माताएं बहने, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और आप सब से हाथ जोड़ करके अपने भाजपा के, आपने जिन्हें 2017 में विधायक बना करके भेजा है, उन्हें फिर से हमारी पार्टी ने, हमारे नेतृत्व में हम सब लोगों ने आप सबके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा है, और आप सब से यहाँ प्रार्थना करने आया हूँ 23 तारीख को आप सब लोग अपना जो अमूल्य वोट है वो तो दीजिए ही,
अपने अपने बूथ के अंदर जो गांव में रहने वाले चाहे गरीब है चाहे किसान चाहे नौजवान चाहे मेरी माता चाहे बहने सबका वोट भी कमल के फूल पर दिलवाने के लिए आप प्रयास करिए। क्या मैं आप सबसे विनती करता हूँ, हमारे मंच पर विधानसभा के पास प्रभारी श्री विनोद मिश्रा जी, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान दुजई राम जी, हमारे ग्राम यहाँ के प्रधान जहाँ बता रहे मेरा हेलीकॉप्टर उतरा है आप ही की जमीन भी है बहुत अच्छा श्री विजय मिश्रा जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष वेटा श्री पवन गिरी जी, मंडल अध्यक्ष शाहपुर संतोष मौर्य जी, हमारे जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा राम जीवन जायसवाल जी, हमारे गुरुचरण चन्ना जी जो पूर्व जिला मंत्री किसान मोर्चा, श्रीमान भरत त्रिपाठी जी पूर्व विधान परिषद के सदस्य, क्षेत्रीय मंत्री अवध के श्री राज किशोर मौर्या जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शैलेश कुमार, 23 तारीख को भी ईवीएम मशीन ऐसे खचाखच भरी रहनी चाहिए, कमल के फूल से भरी रहनी चाहिए, क्योंकि 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो बताइए सपा बसपा कांग्रेस का 10 मार्च को 11 बजे 12 बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए, दोनों हाथ उठा बताइए बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए। आप सब मेरी ओर से गांव गांव में जाकर के कहना, आपने 2012 से 17 की सरकार का कार्यकाल याद होगा, किस लिए वोट दिया था, गुंडों अपराधियों माफियाओं और दंगाइयों को संरक्षण करने के लिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नारा था आम बात हो गई थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा रहता था कि नहीं रहता था बताइए मेरी बात को, करते हो आप में से अनेक लोग रात दिन मेहनत करके कोई छोटा सा प्लाट खरीद ले, ये सपा बसपा वाले कांग्रेस वाले जो गुंडे होते सब दल जैसे जिस दल की सरकार बनी ये गुंडे अपराधी उस दल में चले जाते जाते थे कि नहीं जाते थे, और आपने मेहनत करके कोई प्लाट खरीद लिया, इनका नारा रहता सपा का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं बताइए, मैं कोई जो बात कह रहा हूं ध्यान रखना इस बात को, 2012 से 17 तक जिन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, क्यों लूट योजना का भ्रष्टाचार की योजना का इत्र के माध्यम से करोड़ों की घटिया इकट्ठा करने का काम जिस समाजवादी पार्टी ने किया उस समाजवादी पार्टी का सफाया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे ही प्रार्थना करने के लिए यहां पर आया हूं, 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाजवादी पार्टी कर दीजिए, ताकत आपके हाथ में है, ये ताकत आपके हाथ में है, लोकतंत्र की ताकत है, आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाई, बताइए परिवर्तन देश में हुआ है कि नहीं हुआ है, माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए खजाने का मुख खोला है कि नहीं खोला है, किसानों के लिए किया है कि नहीं किया है, माताओं बहनों के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की है कि नहीं की है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब हम 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए तब से लेकर के 5 साल में आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपसे यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि कभी इसके पहले सरकारें गरीबी हटाओ का नारा लगा करके गरीबों का वोट लेकर के चले जाते थे, कभी गरीब का ख्याल नहीं करते, गरीब भूख से मर रहा है प्यास से मर रहा है झोपड़ी में रह रहा है कि छप्पर डाल करके रह रहा है कि पंडित कि 23 तारीख को भी ईवीएम मशीन ऐसे खचाखच भरी रहनी चाहिए, कमल के फूल से भरी रहनी चाहिए, क्योंकि 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो बताइए सपा बसपा कांग्रेस का 10 मार्च को 11 बजे 12 बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए, दोनों हाथ उठा बताइए बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए। आप सब मेरी ओर से गांव गांव में जाकर के कहना, आपने 2012 से 17 की सरकार का कार्यकाल याद होगा, किस लिए वोट दिया था, गुंडों अपराधियों माफियाओं और दंगाइयों को संरक्षण करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नारा था आम बात हो गई थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा रहता था कि नहीं रहता था बताइए मेरी बात को, करते हो आप में से अनेक लोग रात दिन मेहनत करके कोई छोटा सा प्लाट खरीद ले, ये सपा बसपा वाले कांग्रेस वाले जो गुंडे होते सब दल जैसे जिस दल की सरकार बनी
ये गुंडे अपराधी उस दल में चले जाते थे, जाते थे कि नहीं जाते थे। और आपने मेहनत करके कोई प्लाट खरीद लिया, इनका नारा रहता सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। मैं कि नहीं बताइए, मैं कोई जो बात कह रहा हूं ध्यान रखना इस बात को। 2012 से 17 तक जिन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, क्यों लूट योजना का, भ्रष्टाचार की योजना का, इत्र के माध्यम से करोड़ों की घटिया इकट्ठा करने का काम जिस समाजवादी पार्टी ने किया, उस समाजवादी पार्टी का सफाया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे ही प्रार्थना करने के लिए यहां पर आया हूं, 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाजवादी पार्टी कर दी। ये ताकत आपके हाथ में है, ये ताकत आपके हाथ में है, लोकतंत्र की ताकत है। आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाई, बताइए परिवर्तन देश में हुआ है कि नहीं हुआ है? माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए खजाने का मुख खोला है कि नहीं खोला है? किसानों के लिए किया है कि नहीं किया है? माताओं बहनों के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की है कि नहीं की है? आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब हम 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, तब से लेकर के 5 साल में आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? मैं आपसे यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि कभी इसके पहले सरकारें गरीबी हटाओ का नारा लगा करके गरीबों का वोट लेकर के चले जाते थे, कभी गरीब का ख्याल नहीं करते। गरीब भूख से मर रहा है, प्यास से मर रहा है, झोपड़ी में रह रहा है कि छप्पर डाल करके रह रहा है कि पंडित की छाया में रह रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जब आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, बताइए प्रधानमंत्री आवास की बाढ़ आई कि नहीं आई? दोनों हाथ में आई कि नहीं आई? गरीब को पक्का मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो मेरी गरीब माताएं बहनें थी, संपन्न परिवारों में तो अपने शौचालय बन जाते थे, लेकिन मेरी गरीब माताओं बहनों को कभी खेत में कभी सड़क के किनारे शौच क्रिया के लिए जाना पड़ता था। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरी माँ ने भी गरीबी में जीवन दिया है, इसलिए मैं देश का प्रधानमंत्री बना हूँ, अब कोई माता बहन को इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आवास योजना, शौचालय की योजना, रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन की योजना, जिन गरीबों के घर में आजादी के बाद से बिजली नहीं लगी थी उन घरों में सरकारी पैसे से बिजली लगवाने की योजना हुई है कि नहीं, बताइए? ये काम ये सपा बसपा कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि गरीब अगर गरीब रहेगा तो मजबूरी में हाथ जोड़े उनके सामने लोग खड़े रहे, वोट देते रहे, वो सरकार में बैठ करके अपनी तिजोरियां भरते रहे और गरीब को उसके असहाय अवस्था में छोड़ दे, या इनकी प्लानिंग रहती। परिणाम क्या हुआ? आज देश का गरीब खुशहाली